ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखो, हमने लास्ट क्या क्या पढ़ा था त्रिकोणमिति के अंदर। सबसे पहला हमने फॉर्मूला पढ़ा था। सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था सबसे पहले साइन, है ना, ए प्लस बी और बराबर क्या होता है। देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है ना। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा कोस ए और प्लस में बी। तो ध्यान से सुनना, कोस से ही शुरू होगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है? तीसरी बात हमने क्या पढ़ी थी? तीसरी बात हमने क्या पढ़ी थी, बताओ? हाँ सर, ये प्लस का क्या है, माइनस ही था ना, यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी क्या था? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला क्या पड़ा? कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कितने फॉर्मूले हो गए? दो फॉर्मूले तो ये पढ़े थे हमने। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? तीसरा हमने पढ़ा था कि यदि, तीसरा हमने पढ़ा था फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक। चौथा फॉर्मूला हमने मैन क्या पढ़ा था? कोसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक। और पांचवा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर में एक, यही तो पढ़ा था हमने। और सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर क्या था? कितने फॉर्मूले हो गए? पांच। एक छठा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? छठा फॉर्मूला हमने पढ़ा था टेन स्क्वायर या टेन ए बराबर साइन ए बटा में क्या होता है? कोस ए, ठीक है? तो ये छह फॉर्मूले हैं मेनली, अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। आगे देखो, देखो अब ध्यान देना आप इस पे। अगर हम बात करें, जैसे मान के चलो कि हमने यहाँ पर और क्या पढ़ा था, ये छह फॉर्मूले पढ़े, इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा था? एक ट्रेंगल मान रहा हूँ यहाँ पर मैं, इस ट्रेंगल को देखो, ये ट्रेंगल में देखो आप क्या क्या है। इसका नाम माना ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी। तो आप ये बताओ, अगर आपने ये थीटा माना, मान लो ये थीटा माना, तो इसके सामने क्या होगा? क्या होगा? साइन थीटा होगा। क्या होगा? साइन थीटा। और ये क्या होगा? कोस थीटा। ये क्या होगा? ये क्या होगा? यहां पर एक माना ना आपने, कारण को आपने एक दो कुछ भी मान लिया, तब यहां पर ये साइन थीटा होगा। नहीं बैठी मेरी बात समझ में? तो आप याद रखना कि साइन थीटा आपने यहां रख दिया। क्या रख दिया? साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? अगर आप मान के चलना, इसको आपने एक्स मान लिया, क्या मान लिया? एक्स। और यहां पर क्या मान लिया आपने? वाई। तो
तो आप ये बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होगा? एक्स बटा क्या होगा? एक होगा। कोस थीटा बराबर क्या होगा? वाई बटा में क्या होगा? एक होगा। और टेन थीटा बराबर क्या होगा? क्या होगा? एक्स बटा वाई। याद कैसे रख पाएंगे? साइन थीटा के सामने क्या होता है, यानी थीटा के सामने क्या होता है? साइन थीटा, यानी सामने क्या होगा? एक्स। तो इसके बगल में क्या होगा? भाग में क्या देंगे? एक का भाग, यानी लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा मतलब सामने की भुजा, और बटा में मटा में पास वाली भुजा। ठीक है, अब आप देखो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक बटा एक्स, यही होगा ना। आगे देखो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। क्या होगा? एक बटा वाई। और टेन थीटा का उल्टा क्या होगा? बराबर क्या होगा? वाई बटा एक्स। ठीक है, आप ये ध्यान ध्यान से देखो, ये समीकरण नंबर क्या मानी मैंने? एक। ये समीकरण नंबर क्या मानी मैंने? ये समीकरण नंबर क्या मानी मैंने? तीन। ये समीकरण नंबर क्या मानी मैंने? एक डैश। ये समीकरण नंबर क्या मानी मैंने? दो डैश। ये समीकरण नंबर क्या मानी मैंने? तीन डैश। आप याद रखें कि अगर मैं इस एक को और एक डैश को गुणा कर दूं, गुणा कर दूं, क्या कर दूं, तो आप देखना ये वाला जो पक्ष है ना, ये वाला इधर वाला, तो इससे गुणा होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? अब इधर वाला x बटा एक से गुणा करेंगे तो एक बटा एक से गुणा हो जाएगा, यानी x x कट जाएगा। तो कहने का मतलब फॉर्मूला क्या आ गया, साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया? समझ में आया कि नहीं, बताओ ये कहाँ से आया ये फॉर्मूला? आ गया। दूसरा फॉर्मूला, कोस कोस किससे गुणा कर सकते हैं? सेक थीटा से गुणा करेंगे तो बराबर में क्या जाएगा? ये वाई, जब इस एक बटा वाई से वाई बटा एक गुना होगा तो एक ही तो बचेगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, ज्यादा डिटेल से लिखने क्या सकता है कि जिसमें इसको लिखा है, बताओ ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई, ये बताओ, हाँ या ना। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात देखो, एक्स बटा वाई को वाई बटा एक्स से गुणा करेंगे तो ये मतलब गुणा में एक ही तो बचेगा, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा? एक। इनको समझाने का मेरा एक ही मतलब है बस, कि ये आता कैसे है, यानी साइन और कोसेक का मल्टीपल क्या होता है? एक। कोस और सेक का मल्टीपल होता है एक। टेन और कोट का मल्टीपल होता है एक। अब इनसे एक फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, यहाँ से इससे फॉर्मूला क्या निकाल सकता हूँ, देखो इस वाले से, साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर क्या हुआ? एक। जब मैं यहां से साइन निकालूंगा तो कोसेक कहाँ चल जाएगा? एक के बटे में चल जाएगा ना। ठीक है, और जब कोसेक निकालूंगा अब की बार तो एक के बटे में कौन चल जाएगा? तो यानी इनसे एक फॉर्मूला ये निकला और दूसरा फॉर्मूला ये निकला। ठीक है, तीसरा देखो, इससे क्या फॉर्मूला निकल सकता है? कोस थीटा इंटू में क्या है? सेक थीटा बराबर क्या होगा? एक। जब कोस थीटा निकालूंगा तो एक के बट्टे में क्या जाएगा? और सेक निकालूंगा तो क्या जाएगा? कोस थीटा। क्या आप ये समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तीसरी बात क्या है, देखो यहां पर ध्यान से देखो, तीसरा क्या है, टेन थीटा और इंटू में कोट थीटा बराबर क्या होता है? एक। जब टेन निकालूंगा तो क्या जाएगा? एक बटा में। और जब कोट निकालूंगा तो क्या जाएगा? वन बटा में टेन थीटा। और एक स्पेशल मैंने आपको सूत्र बताया था कि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटा कोस होता है। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है ना। बात आगे समझ में नहीं आई बताओ, ये मैंने आपको निकाल के बता रखा कहाँ से आता है। अगर आप साइन में कोस का भाग देंगे तो मतलब क्या जाएगा, साइन में आप कोस का भाग देंगे तो क्या जाएगा, टेन थीटा आएगा कि नहीं आएगा, बताओ।
तो मतलब ये फॉर्मूला यहां से आ रहा है, साइन में कॉस का भाग देंगे टेन आ रहा है। बात आगे समझ में आ तक? तो यहां तक आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि साइन थीटा बराबर क्या हो, 3/5 हो, एमएम एक्स बराबर क्या है, कोट थीटा हो, तो निम्न का मान बताओ। कैसे करेंगे, हमें इसका मान बताना है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, हमें किसका मान बताना है, इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, बात आगे की नहीं आगे समझ में? किसका मान पूछा है आपसे, इसका मान पूछा है। देखो साइन थीटा का मान क्या दे रखा है, 3/5। तो आप ध्यान से सुनना, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आप चित्र बनाने की जरूरत है नहीं वैसे, पर बनाना चाहो एक बार बना लो। आप ध्यान दो एक बार इसमें कि ये मान लिया आपने ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है, ये क्या है सी है। ठीक है, ये क्या होता है, थीटा होता है ना। आप देखो थीटा के सामने क्या होता है, ये तो ये तीन यही होगा और ये क्या होगा, 5। क्लियर है ना। जब ये 3 होगा ये 5 होगा तो ये ऑटोमेटिक आपको याद आना चाहिए 4 होगा। ये कैसे होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब स्क्वायर होता है। कर्ण नहीं पता हमें, पता है बिल्कुल पता है, 5 का स्क्वायर क्या है 25, आधार कितना है नहीं पता, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बच जाएगा 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो आधार कितना जाएगा 4। क्या ये बताओ, आधार समझ में आ गया, 4 कैसे आया। वैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा ट्रिपलेट, आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, इसका पता है 3 है, इसका 5 है, तो इसका 4 आएगा। ठीक है, मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं ये चीज। अब आप ध्यान दो, एक्स बराबर क्या होता है, क्या दे रखा है, कोट थीटा दे रखा है। एक्स बराबर क्या दे रखा है, कोट थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू यहां से ये बताओ आप मुझे, कोट थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है। ध्यान दो, बहुत इजी बना दूंगा इस सवाल को मैं, कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, कितनी होगी। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, आप ध्यान दो, लंब बटा आधार होता है 3/4 होगी, है ना। तो टेन की वैल्यू क्या है, कितनी होगी, यहां पर ध्यान से देखो, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 3/ क्या होगी, 4 होगी ना। तो टेन का उल्टा भी मैंने बताया क्या होता है, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3। तो एक्स का मान क्या जाएगा, 4/3, 3 इसके इधर चल जाएगा, बटा की चीज भाग में गुणा में जाएगी, तो 3x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बताऊं, है ना। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें यहां पर क्या दे रखा है, 1+3x प्लस में 9x की पावर 2 प्लस 27x की पावर 3 प्लस 81x की पावर 4। हमें कुछ नहीं करना, इसमें मान रखना है। ठीक है, मान रखो, देखो एक का एक, 3x की वैल्यू क्या है, 4 है। आप बताओ इस 9x को क्या लिख सकते हैं, 3x की पावर 2 लिख सकते हैं क्या, बताओ। इसको क्या कर सकते हैं, 3x की पावर 3 लिख सकते हैं क्या, बताओ। इसको क्या कर सकते हैं, 3x की पावर 4 लिख सकते हैं क्या, बताओ। लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। 1 प्लस में 4 प्लस में 3x की वैल्यू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 रख दूंगा डायरेक्ट। 3x की वैल्यू 4, 4 का क्यूब कितना है, 64 रख दूं क्या, प्लस 3x की वैल्यू कितनी है 4, 4 की घात 4 कितना होता है, 256 होता है। 3x की वैल्यू क्या है, 4। अरे यहां पर आप 4 रखोगे, 4 को आप 4 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 × 16, 4 × 16, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, देखो 16 और 4 20, 20 और 21, 21 और 64 कितने हो गए, 64 और 20, 84 और 85 हो गए ना। अरे भाई 5, 16 और 5, 21, 21 और 64 कितने हो गए, 65 और 20, 85, 85 को आप 256 में ऐड कर दो, कितना जाएगा, 6 × 5, 11 का 1, हासिल 1, 5 और 8, 13, 14 का 4, हासिल 1, 3 और 1, 3, कितना जाएगा आंसर, 341 का क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है, ए बी बराबर 2√6 है, ए सी माइनस बी सी बराबर क्या है, 2 है,
तब sec a plus tan a का मान बताओ। देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, क्या है, ABC दे रखा है, ABC ऐसे बना दिया आपने, A B और C, कहीं पर भी आप ABC लिख दो, लेकिन एक बात याद रखनी है कि इसमें दे रखा है कोण B कितना डिग्री है, तो कोण B यानी B को आप यहीं लिखेंगे और चाहे A और C को कहीं पर भी लिख दो, B 90 डिग्री है। अब AB कितना दे रखा है बताओ, 2√6 दे रखा है ना AB, और AC माइनस BC यानी AC क्या है, देखो AC क्या है ये है और BC क्या है ये है, इसका अंतर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। मेरी बात समझ में आ रही है, AC और BC का अंतर कितना दे रखा है ये बताओ, AC और BC का अंतर कितना दे रखा है बताओ, 2। ध्यान से समझना, AC ज्यादा होगी और BC क्या होगी, डेफिनेटिव विकर्ण मतलब कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे ज्यादा होनी चाहिए और ये कम होनी चाहिए। अब ध्यान सुनना, AC और BC का अंतर 2 है, यानी आप समझना ध्यान से कि ये कितनी है बताओ, अगर ये 2 है तो ये कितनी है बताओ, 4 है, अगर मान लो ये कितनी है, 6 है, तो ये कितनी है, 8 है, ये 8 है तो ये क्या है, क्योंकि 2 ज्यादा है ना। अगर मैं आपसे कहूं अगर ये x है तो ये क्या है, x प्लस में 2 है, समझ में आ रही बात, क्योंकि इससे ये 2 ज्यादा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को आप, अब क्या करेंगे हम, अब हमें ये पता लग गया कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है बताओ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, आधार क्या है, x का वर्ग, लंब क्या है, 2√6 का वर्ग। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ यहां तक। अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर लग गया, और a प्लस b का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b यानी 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट लिख दूं, प्लस 2 दुनी 4x, पता लग गया 4x कैसे आया, सूत्र में है 2ab, 2 a का मान x, b का मान 2, 2 दुनी 4x, समझ में आया तक। आगे x का वर्ग प्लस 2 का तो वर्ग करेंगे 4, और रूट 6 का वर्ग हम कर नहीं सकते, खाली 6 ही आएगा, क्योंकि इस रूट से स्क्वायर कट जाता है, 2 का स्क्वायर 4 और रूट का रूट कट जाएगा, तो 4 6 24, समझ में आया 24 कैसे आएगा, अगर बराबर में एक्स स्क्वायर हो तो इधर आके माइनस से कट जाएगा, है ना, और 4 इधर को आएगा 24 से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 24 में से 4 घट जाएगा ना, कितना जाएगा, 4x बराबर 20, तो x बराबर कितना जाएगा, 5। यानी मेरे को एक बात तो ये समझ में आ गई कि अगर ये 5 थी ना तो ये कितनी थी बताओ, ये 7 थी, ये तो पता लग गया ना आपको। हमें ध्यान से सुनना है कि sec a प्लस में tan a, अब की बार देखो हमसे एंगल भी तो ध्यान रखना है आपको, ये एंगल कौन सा देकर दे रखा है, a दे रखा है, तो एंगल अगर ये दे रखा है ना आपको, ये वाला एंगल, तो थीटा ये दे रखा है, कहने का मतलब, तो इसके सामने क्या होगा, लंब होगा, और ये पास में क्या होगा, ये आधार। तो sec का फॉर्मूला बताओ क्या, sec किसका उल्टा होता है ये बताओ पहले, cos का, cos का क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो sec में होगा कर्ण बटा आधार, इतनी बात क्लियर है कि नहीं बताओ। प्लस में क्या होगा, tan क्या होता है बताओ, tan का देखो लंब बटा आधार होता है ना, तो देखो आप ध्यान से सुनना, ये कर्ण बटा आधार और लंब बटा आधार ये आपको पहले याद रखना था, लेकिन अब हम इसको याद नहीं रखेंगे, तो आप ध्यान से देखो, कर्ण कितना है बताओ, 7, आधार कितना है बताओ, 5, नहीं यही तो ध्यान रखनी है आपको, 2√6 है ना, और प्लस में लंब कितना है बताओ, 5, और बटा में आधार कितना है, 2√6। तो जब सेम संख्या आती है तो इसको हम एक बार लिखते हैं, मैंने आपको पहले उस दिन बताया था क्यों लिखते हैं, अगर एक बार लिख सकते हैं तो ऊपर वाला जुड़ के लिख जाएगा, 7 + 5 क्या आ जाएगा, 12, तो 12 बटा में 2√6। अब ध्यान से सुनना, इस रूट सिक्स का हम हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, परिमेयकरण कर कैसे करते हैं, अगर अकेली संख्या रूट में है नीचे तो इसको ऊपर भी गुणा कर सकते हैं और नीचे भी गुणा कर सकते हैं, रूट 6 को रूट 6 से गुणा करो तो खाली 6 आएगा, 6 को 2 से गुणा करो तो 12 आएगा, 12 ऊपर से कट जाएगा ना, तो क्या जाएगा आंसर,
रूट छः आना चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर क्या आना चाहिए, अंडर रूट छः। नंबर तीन, यदि टेन ए प्लस कोट ए बराबर दो हो तो टेन स्क्वायर ए प्लस कोट ए कोट स्क्वायर ए का मान बताओ। ये क्वेश्चन आरआरबी में 2019 में शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन, ध्यान से देखो एक बार, आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। आपसे क्या कह रहा है, टेन ए प्लस कोट ए बराबर क्या है, दो है, और हमसे पूछा क्या है, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए पूछा है। तो हम इसको कैसे करेंगे आप बताओ, स्क्वायर स्क्वायर चाहिए तो यहां पर हम इसका पूरे का अगर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दे, इसका स्क्वायर कर दे, ऐसे कर नहीं सकते। जब भी स्क्वायर करते हैं ना, जब भी कोई चीज करेंगे तो समान एक समीकरण है नहीं, तो समीकरण में हम समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो टेन ए प्लस में क्या है, कोट ए बराबर क्या है, दो दे रखा है, तो दो दे रखा है तो दोनों पक्षों में क्या कर सकते हैं, इसका हम वर्क कर सकते हैं। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, अब देखो क्या करेंगे, टेन स्क्वायर a यानी a का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, b का स्क्वायर यानी cot स्क्वायर a, है ना, प्लस में क्या होगा, दो ए बी, तो टू टेन a प्लस में टू टेन a इंटू cot a, यही होगा, बराबर में क्या है, दो दुनी चार। अब आपके दिमाग में आ रहा है हमको ये चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर यही तो चाहिए बस, और ये पूरा का पूरा खत्म होना चाहिए। कैसे खत्म होगा देखना ध्यान से, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस दो टेन ए, या तो टेन ए का लिख दो फॉर्मूला, टेन ए किसका उल्टा होता है, तो कोट ए किसका उल्टा होता है, फॉर्मूला भी सिखाया था ना मैंने आपको, एक बट्टा टेन ए लिख सकते हैं ना कोट ए को, अरे ध्यान है कि नहीं बताओ, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, दो बचेगा, दो इधर आके किसका हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ, तो यानी टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, पता लगा नहीं लगा बताओ, दो कैसे आया, इसको हम यहां पर दो ही लिख सकते हैं डायरेक्ट, लिख दो दो डायरेक्ट, ठीक है ना, समझ में आ गया ना कैसे आया है दो। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर तीन, यदि टेन ए प्लस कोट ए बराबर दो हो तो टेन स्क्वायर ए प्लस कोट ए कोट स्क्वायर ए का मान बताओ। ये क्वेश्चन आरआरबी में 2019 में शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन, ध्यान से देखो एक बार, आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। आपसे क्या कह रहा है, टेन ए प्लस कोट ए बराबर क्या है, दो है, और हमसे पूछा क्या है, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए पूछा है। तो हम इसको कैसे करेंगे आप बताओ, स्क्वायर स्क्वायर चाहिए तो यहां पर हम इसका पूरे का अगर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दे, इसका स्क्वायर कर दे, ऐसे कर नहीं सकते। जब भी स्क्वायर करते हैं ना, जब भी कोई चीज करेंगे तो समान एक समीकरण है नहीं, तो समीकरण में हम समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो टेन ए प्लस में क्या है, कोट ए बराबर क्या है, दो दे रखा है, तो दो दे रखा है तो दोनों पक्षों में क्या कर सकते हैं, इसका हम वर्क कर सकते हैं। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, अब देखो क्या करेंगे, टेन स्क्वायर a यानी a का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, b का स्क्वायर यानी cot स्क्वायर a, है ना, प्लस में क्या होगा, दो ए बी, तो टू टेन ए प्लस में टू टेन ए इंटू cot a, यही होगा, बराबर में क्या है, दो दुनी चार। अब आपके दिमाग में आ रहा है हमको ये चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर यही तो चाहिए बस, और ये पूरा का पूरा खत्म होना चाहिए। कैसे खत्म होगा देखना ध्यान से, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस दो टेन ए, या तो टेन ए का लिख दो फॉर्मूला, टेन ए किसका उल्टा होता है, तो कोट ए किसका उल्टा होता है, फॉर्मूला भी सिखाया था ना मैंने आपको, एक बट्टा टेन ए लिख सकते हैं ना कोट ए को, अरे ध्यान है कि नहीं बताओ, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, दो बचेगा, दो इधर आके किसका हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ, तो यानी टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, पता लगा नहीं लगा बताओ, दो कैसे आया, इसको हम यहां पर दो ही लिख सकते हैं डायरेक्ट, लिख दो दो डायरेक्ट,
ठीक है ना, समझ में आ गया ना कैसे आया है दो? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर चार, यदि टेन ए प्लस कोट ए बराबर पांच हो तो टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए का मान बताओ कितना होना चाहिए। मुझे आंसर पता है किसका? मुझे आंसर बता सकते हो कितना आएगा? देखना ध्यान से, आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आपको पता है ना पांच के स्क्वायर पच्चीस होगा, दो घटेगा बस लास्ट में, आंसर आ गया ना तेईस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर से डायरेक्ट दे सकते हैं। अब तुम सोचो, पहले आपको मेथड पता है, उसके बाद क्या हो रहा है, तो ये तेईस कैसे आया? फिर भी हम एक बार इसकी बात कर लेते हैं, टेन ए प्लस कोट ए का क्या कर सकते हैं दोनों पक्षों में स्क्वायर कर सकते हैं, पांच के स्क्वायर क्या होगा पच्चीस। ठीक है, तो टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर हमें पूछा है, तब क्या होगा प्लस में टू टेन ए, और कोट ए आता है ना गुणा में, तो कोट ए का मैंने डायरेक्ट रख दिया क्या वन बटा में टेन ए बराबर में पच्चीस, क्योंकि टेन से टेन कट जाएगा और वही दो आके यहां पर माइनस कर जाएगा, यानी तेईस जाएगा, तो यानी टेन स्क्वायर ए प्लस में क्या होगा कोट स्क्वायर ए बराबर तेईस कैसे आया? समझ गए नहीं समझे बताओ। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच, देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो यहां पर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर क्या दे रखा है, देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर क्या दे रखा है अंडर रूट दो कॉस एक्स, क्लियर यहां तक? अब क्या करेंगे, ये कॉस एक्स इधर है तो इधर आ जाएगा ना, तो साइन एक्स बराबर अंडर रूट दो कॉस एक्स माइनस का क्या जाएगा कॉस एक्स, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे ना, इधर से क्या बचेगा रूट दो, इधर से क्या बचेगा माइनस का, अब साइन एक्स बटा में क्या जाएगा, ये कॉस एक्स गुणा में है तो कहां चल जाएगा बताओ भाई, ये गुणा में ही तो है, ये भाग में चल जाएगा, अंडर रूट दो माइनस का क्या जाएगा, तो टेन एक्स की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट दो माइनस का, हमसे क्या पूछा है टेन का उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा क्या होगा कोई बताएगा, इसका उल्टा क्या होगा, ये बटा में एक मान लिया करो, अंडर रूट दो माइनस एक बटा एक का उल्टा है होगा एक बटा अंडर रूट दो माइनस का एक, आंसर तो ये है लेकिन ऑप्शन में है नहीं है। अब इसका क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं, पक्षांतरण नहीं होगा, क्या कर सकते हैं अंडर रूट दो प्लस में क्या है एक, इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे ध्यान सुनना, रूट दो प्लस एक को रूट दो प्लस एक से करेंगे तो अंडर रूट दो प्लस एक ही आएगा बटा में, ये a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, तो जब ऐसे प्लस में सेम हो और प्लस और माइनस का फर्क हो तो इसको छोड़ दो काटो, इसका स्क्वायर करो रूट दो का स्क्वायर और एक का स्क्वायर करो, रूट दो का स्क्वायर करेंगे दो एक का स्क्वायर एक, दो में एक का भाग देंगे एक, यानी अंडर रूट दो प्लस एक, आप खुश हो रहे थे कि हमारा आंसर उसमें रूट दो माइनस एक बटा रूट दो माइनस एक भी होगा, रूट दो माइनस एक भी होगा और रूट दो प्लस एक भी होगा, तो गलती मत करना, हमारा राइट आंसर जो होगा ना वो रूट दो प्लस एक होगा। ठीक है, ऑप्शन में ये सारे मिलेंगे क्योंकि यहीं पर कहीं तो यहीं पर कर देते हैं लेकिन वो आगे सोल्व करके देता है, नहीं बैठी बात समझ में, अगर ये ना हो केवल यही हो तो आंसर यही होगा फिर। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सिक्स क्वेश्चन, यदि टेन अल्फा बराबर तीन माइनस दो रूट दो, तीन माइनस दो रूट दो हो तो टेन एल्फा माइनस कोट एल्फा का मान बताओ,
करते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। कैसे होगा आप ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ क्या पूछा है इसमें, टेन अल्फा और फिर क्या पूछा है माइनस कोट अल्फा। सिंपल है बिल्कुल, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है हमसे क्या पूछा है, बस ये ध्यान दो आप, टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा माइनस कोट अल्फा यही पूछा है। टेन अल्फा की सीधी सीधी वैल्यू क्या है, तीन माइनस दो अंडर रूट दो, यही है ना इसकी वैल्यू। और कोट अल्फा की क्या हो जाएगी पता है ना, वन बटा में तीन माइनस दो अंडर रूट यही हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी बताओ। क्या करेंगे इसका हम, क्या कर सकते हैं, परिमेयगण कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते परिमेयगण, कैसे करेंगे परिमेयगण, गुणा में इसी को ऊपर भी नीचे भी गुणा कर दो प्लस करके, ये होता है परिमेयकरण, तीन प्लस दो रूट दो, ध्यान से सुनना, इसको एक से करेंगे तो यही आएगा ना, तीन प्लस दो रूट दो यही आएगा। और नीचे देखो मैंने कहा ना, जब सेम संख्या हो और माइनस प्लस का फर्क हो तो एक प्लस को काट दो और इसका स्क्वायर करो, तीन का स्क्वायर नौ होता है ना, और दो तीन का स्क्वायर नौ हो गया, दो का स्क्वायर चार, और रूट दो को खाली दो ही लिखेंगे अंदर जो है, समझ में आ गया, और चार दुनिया आठ, नौ में से आठ गए कितना बचेगा, एक बचेगा, ये हर कंडीशन में हमेशा एक ही बचता है, आप कोई सा भी सवाल करना एक ही बचेगा नीचे हमेशा, ठीक है। अधिकतर बता रहा हूं मैं आपको, कभी कोई वो चांस अलग होता है कि यहां पर कोई दो बन जाए तीन बन जाए, लेकिन अधिकतर एक ही बनता है। अब यहां देखो इसका तो कोई औचित्य रहा नहीं एक का, क्योंकि एक का भाग इसमें तो यही आएगा, लेकिन माइनस बाहर है देखो तो अंदर के सारे चिन्ह क्या जाएंगे बदल जाएंगे, तीन प्लस का था माइनस हो गया और प्लस का माइनस हो गया दो रूट दो, समझ में आ गया नहीं आया बताओ, तीन माइनस दो रूट दो, आप बताओ ध्यान से देखो, प्लस तीन से क्या कट गया माइनस तीन कट जाएगा, माइनस के दो रूट दो और माइनस के दो रूट दो, माइनस के क्या हो जाएंगे चार रूट दो, ठीक है। अब आप इसको और आगे सॉल्व करना चाहो तो इसका अंश का भी परिमेयकरण हो सकता है, कैसे होगा, रूट दो को ऊपर भी गुणा कर सकते हैं और रूट दो को नीचे भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रूट दो को रूट दो से देखो, रूट दो को हम अगर करें तो रूट दो से क्या कर सकते हैं, रूट दो को रूट दो से करेंगे क्या आएगा दो आएगा, क्या आएगा दो को चार से गुणा करेंगे आठ आएगा, फिर बटा में रूट दो है, तो इसलिए हम अंश का परिमेयकरण नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या आएगा माइनस का चार रूट दो ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। कर लिया नोट, ये देखो अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रिपलेट की, ट्रिपलेट के बारे में जानते हो, ट्रिपलेट क्या होते हैं, ट्रिपलेट को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय वाले ट्रिपलेट, ठीक है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय के ट्रिपलेट, पाइथागोरस पाइथागोरस ट्रिपलेट आपने सुने होंगे, कुछ इंपोर्टेंट ट्रिपलेट हैं, जैसे पहला ट्रिपलेट है तीन चार पांच, पहला क्या है तीन चार और पांच, दूसरा क्या है ट्रिपलेट बीस इक्कीस, तीसरा है और है छ आठ और पंद्रह, बीस का स्क्वायर कितना होता है चार सौ, चार सौ इकतालीस नहीं बीस, चौथा और लिखो एक बार बारह नौ बीस इक्कीस और उनतीस, उनतीस है ना, छ आठ और पाँच या पंद्रह, ये तो इसी से हो गया,
ये तो इसी से होगा, इसमें अभी बताऊंगा मैं आपको। तीसरा और लिखो, 5, 12, 13, 5, 12 और 13। पहला क्या है 3, 4, 5, दूसरा क्या है 20, 21, 29 और तीसरा क्या है 5, 12, 13, तीसरा 5, 12, 13 और चौथा क्या है 8, 15 और 17। कितने हो गए? पहला है 3, 4, 5, दूसरा क्या है 20, 21, 29, तीसरा क्या है 5, 12, 13 और चौथा क्या है 8, 15 और 17। ये क्या है आपके इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं जो खास तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लो पहला क्या है 3, 4, 5, दूसरा क्या है 20, 21, 29, तीसरा क्या है 5, 12, 13, चौथा क्या है 8, 15 और 17। ध्यान से सुनो एक बार। अब इनसे मैं आपके वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण ट्रिपलेट है, पर ये चार जो है एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। आपने अगर एक त्रिभुज बनाया, मान के चलो एक आपने एक ट्रायंगल बना दिया, तो आप बताओ इसमें सबसे ज्यादा बड़ी भुजा कौन सी है? तो 5 यही आना चाहिए, 3 और 4 को आप यहां कर सकते हैं, हमेशा ऐसे ही होगा। ये दूसरा ट्रिपलेट देखो क्या है, दूसरा क्या है 29 यहां होना चाहिए, 20 और 21 में से आप यहां पर कोई सा भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ट्रिपलेट क्या है बताओ, 5, 12, 13 में से 13 यहां आना चाहिए, 5 और 12 का यहां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्या है बताओ, इसका मैं यहां लिख रहा हूं क्या, यहां पर 17 यहां पर लिख सकते हैं, 8 और 15 में से यहां लिख दो। कितने ट्रिपलेट हो गए? 4 ट्रिपलेट हो गए। ध्यान से सुनना, 3, 4, 5 से मैं और निकाल सकता हूं, लेकिन आप क्या करेंगे, देखो 3 का आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करो, 3, 4, 5 को 1 से, किस संख्या से 1 से, तो वही आएगा 3, 4, 5, तो ट्रिपलेट। दूसरा देखो 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 तिया 15। आगे देखो और क्या आ सकता है, 3 से गुणा करो, 3 तिया 9, 8 तिया 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब 3, 4, 5 को गुणा करते जाओ, करो आगे गुणा, 4 से गुणा करो, 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 5 चौक 20 और एक और आ जाएगा, तो एक और कर लो, 3 5 15, 4 5 20 और 5 5 25। समझ में आया इतना? आगे देखो 21 को 20 को 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, 20 को डबल से गुणा करो, 20 दुनी 21 दुनी और 29 दुनी 58, 20 तिया 60, 21 तिया और 29 तिया 87। ठीक है, 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करेंगे, कर दिया 3 से गुणा, 4 से गुणा करो, 20 चौक 21 चौक 84 और 29 चौक कितना होता है, 116 ही होता है, 5 से गुणा करो, 20 5 100, 21 5 105, 29 5 कितना होता है 145 होता है ना, है ना, 45। और ये आगे देखो तीसरा ट्रिपलेट क्या होगा, ध्यान से सुनो, तीसरा ट्रिपलेट 5 तिया 5 दुनी 10 होगा ना, 12 दुनी 24, 13 दुनी 26 पहला, दूसरा क्या होगा 5 तिया 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39। क्लियर है ना? आगे देखो 5 चौक 20, 12 चौक 48 और 13 चौक 52, यही होगा ना, आगे 5 5 25 और 12 5 60, 13 5 65, एक ट्रिपलेट ही हो गया। आगे देखो चौथा ट्रिपलेट क्या है, चौथा देखो, चौथा यहां से है ना ये वाला, क्या होगा 8 दुनी 16, 15 दुनी 30, 17 दुनी 34। आगे 16 तिया 8 तिया 24, 15 तिया 45, 17 तिया 51, यानी मल्टीप्लाई कितना ही करते जाओ आप, और 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, 15 चौक 60, 17 चौक 68, 5 से और कर लो, 8 5 40, 15 5 75, 17 5 85। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? आपने 4 ट्रिपलेट पढ़े हैं, अभी कितने पढ़े हैं, आप लाखों बना सकते हैं इससे, लेकिन आप क्या करेंगे, आपको एक ये 4 ट्रिपलेट याद होने चाहिए, 3, 4, 5 संख्या, 3, 4, 5 याद रखो, 3, 4, 5। दूसरी
बीस इक्कीस और 29 रखो, 20 21 और तीसरी रखो, 5 12 और चौथा क्या है 8 15 और हो गए चारों याद। आप कैसे करेंगे, आप देखो अगर आप इनको क्या करें, अगर आप इनको काटे ना, इनको काटने पर किस संख्या से कट रहे हैं, तीनों दो से कट रहे हैं, दो से नहीं कट रहे, तीन से कट रहे हैं, नहीं कट रहे, हाँ सॉरी 10 आए ना, कोई बात नहीं 10 है ना, आगे किस से कट रहे हैं, दो से, दो तिया दो चक दो पंज 10, इतनी बात समझ में आ गई। आप युद्ध कैसे करेंगे वो देखो एक बार, मान लो कि एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज माना मैंने, ये है आपको इनमें से दे रखा है 15 20 25, मान लो कि ये 25 दे दिया, ये कितना दे दिया 15, आपको ये पता करना है, मतलब आप जल्दी कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। आप किससे काट सकते हैं, 5 से, 5 दिया पचम, जब 3 और 5 ये आता है तो ये 4 आना चाहिए, लेकिन याद रखना काटा किससे था, 5 से, तो 5 से गुणा कर दिया, इसका क्या जाएगा, तो ये भुजा इसकी क्या आ गई 20। एक तरीका तो है ये, दूसरा तरीका हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या लगाएंगे लंब स्क्वायर, कर्ण का वैल्यू पता है 25, 5 या 25, 25 का स्क्वायर, आधार कितना है नहीं पता, लंब कितना है 15, अब हम क्या करेंगे 25 के स्क्वायर 625, 15 का स्क्वायर 225, इधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर 625 में से 225 गए 400, 400 का वर्गमूल कितना आता है 20 है ना, तो आधार स्क्वायर 20 का स्क्वायर आधार स्क्वायर, तो मतलब आधार स्क्वायर क्या जाएगा, तो ट्रिपलेट पता है आपको। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मान लो कि इसमें से आ गया, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसमें आ गया 60 63 और 87, 60 63 और 60 87 लिख दिया, आप बताओ किससे कट रहा है ये, 3 से 20 लिख दिया, इसको किससे काटेंगे 9, तो 20 और 29 20 21 29, यानी ये 21 आना चाहिए, किससे काटा हमने इसको 3 से, यानी इसको भी काट दो 21 63, तो मेरी बात आपको समझ में आ गई कि जो 60 है और जो 87 है उसका 63 आ जाएगा, देखो नहीं बैठी बात समझ में, ये आते हैं ट्रिपलेट क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए है, ठीक है फास्ट हम इससे कर सकते हैं। तो आपको पहला ट्रिपलेट क्या बताया मैंने, 3 4 और 5, ठीक है, दूसरा क्या बताया 20 21 और 29, तीसरा क्या बताया 5 12 और 13, चौथा क्या बताया 8 15 और 17, तो 4 ट्रिपलेट हमने पढ़े हैं, इसके मल्टीपल में कुछ भी हो हम उसको जल्दी कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे आपको आगे पता चलेगा इसका यूज, ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, कैसे करना है ध्यान से देखो, 21 tan थीटा बराबर क्या होगा, क्या होगा 20 दे रखा है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 20 बटा 21 आ जाएगी ना, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी 20 बटा 21, समझ में आया कि नहीं बताओ, लंब 20 आधार 21, तो कर्ण कितना बताओ 29 हो जाएगा ना, अभी पढ़ा था ना ट्रिपलेट 20 21 और 29। अब क्या करेंगे, 1 प्लस में साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब 20 और ये कर्ण कितना है, अरे भाई लंब कितना है और कर्ण कितना है 29, समझ में आया इतना, प्लस कोस क्या है बताओ, आधार कितना है 21 और कर्ण कितना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ। अब रेशियो देखो, आप 1 प्लस में कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे लिख दो बस, माइनस का ही तो फर्क है, जरा टेंशन लेने की जरूरत थोड़ी है, थोड़ी लिखो लंबा टकन उसमें फिर देख के लिखो, पता है यहाँ पर सेम संख्या है बस माइनस का फर्क है, अरे माइनस का फर्क है ना। आगे देखो कैसे करेंगे, अब देखो आगे, अरे जब 29 29 हो ना और बटा में कुछ भी नहीं होता, एक टांग लगा दो आप इसके नीचे, लगा दी टांग, और एक ही लगानी है टांग, ठीक है, अब दो टांग हो गए ना, अब देखना ध्यान से कैसे करेंगे इसको, आपको सिंपल एंड बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं कैसे करना है, जब एक होता है ना यहां पर एक नीचे, तो और दोनों संख्याएं ये सेम हो, अगर ये सेम है तो क्या करेंगे ध्यान सुनना, अगर ये सेम है तो इनमें से एक यहां लिखी जाएगी, यानी 29 लिखी जाएगी, अगर यहां पर ये सेम नहीं होती तो क्या करते, तो क्या करते, इन दोनों को गुणा करके यहां पर लिख देते, बात आ रही समझ में, प्लस में क्या करेंगे,
सेम अगर है 29 तो 20 लिख दो, यहां पर भी 29 है तो इसका मतलब क्या लिख दो, क्या लिख दो, 21 लिख दो। समझ में आया कि नहीं आया तक बताओ। और सब में क्या करेंगे, एक ही संख्या है ना, जैसे ऊपर यहाँ जो जो यहाँ पर लिखी थी ना वही यहाँ पर लिखी जाएगी फिर, यानी तीनों का गुणनफल कितना होता है वो यहाँ लिखा जाएगा। अगर इन दोनों में से एक संख्या है सेम है तो एक लिखी जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी नहीं बताओ। अनुपात सेम लिख दो, 29 20 और माइनस का 21 लिख सकते हैं ना, ऐसे 29 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बताओ। अरे कट सकता है ना सेम है तो। अरे ये बताओ आप 20 29 और 21 कितने हो गए, जोड़ने का तरीका ऐसे ही होता है, 29 30 50 70 हो गया ना, और इनका योग कितना आएगा, 29 और 20 कितना आएगा, 29 में से 21 गए 8 और 20 और 8 28 आएगा क्या, 29 में से 21 गए कितने बचेंगे बताओ, 29 और 20 49, 49 में से 21 गए कितने बचेंगे, 49 में से 21 गए तो कितने बचेंगे, या ऐसे कर लो 20 में से 21 गए कितने नहीं जा सकते, माइनस एक 29 में से गए 28, तो बताओ क्या जाएगा, 28 आएगा, कैसे कर लो चाहे। अरे भाई 14 पन 70 और 14 दूनी 28, 5 अनुपात 2 ही आ जाएगा किसका राइट आंसर बताओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नंबर 8 देखो, करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर है, ए सी माइनस बी सी बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तब सेक ए प्लस कोट ए का मान बताओ क्या होना चाहिए। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन, ध्यान से देखो, एक त्रिभुज एबीसी है, क्या है, एक त्रिभुज एबीसी है, और इस त्रिभुज एबीसी के अंदर क्या दे रखा है आपको खास, कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है, इतना करते ही 90 डिग्री बढ़ जाता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको इसमें। और ए सी माइनस बी सी कितना है, ए बी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अब ध्यान सुनो, ए सी माइनस बी सी क्या दे रखा है बताओ, 1 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब क्या है इसमें, बी सी से ये ए सी ज्यादा है, बी सी से ए सी ज्यादा है, अगर हम ए सी 5 लिखें बी सी 2 लिखें तो यहां पर कितना आएगा, 3 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम, यहां पर क्या करें, ए सी 5 माने और बी सी 4 माने तो 1 आएगा, ए सी अगर हम क्या माने, ए सी अगर हम क्या माने, अगर हम यहां पर माने 6 माने यहां पर 5 माने तो 1 आएगा। अगर मान के चलो आप क्या कर सकते हैं इसमें, यानी ए सी और बी सी का अंतर 1 है, यानी ए सी ज्यादा है, अगर मान लो ये x है तो ये क्या है, 1, नहीं बैठी बात समझ में, ये x है तो ये क्या है, x प्लस 1, आप ऐसे मान सकते हैं क्या, पर 5x माइनस 1x, 5x माइनस 4x मान सकते हैं कैसे, नहीं मान सकते, फिर तो 5 और 4 ही मान लेते हैं, नहीं बेटी बात, 5x माइनस 4x का मतलब 5 माइनस 4 ही होता है, इसलिए गुणा में नहीं मान सकते। अगर हम यहां पर 5x माइनस 4x माने तब भी तो 1 आ रहा है, लेकिन 1 x आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, तो 1 तभी बनेगा जब हम क्या करें, यहां पर x लिखें और कर्ण को 1 ज्यादा लिखें, अब आप घटाओगे तो 1 ही बचेगा खाली, ठीक है ना। तब क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, कर्ण कितना है, x प्लस 1 का वर्ग, और आधार कितना है, x का वर्ग, और लंब क्या है, 7 का स्क्वायर 49, डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि सवाल जल्दी हो जाए, ठीक है। x प्लस 1 का वर्ग आपको तुरंत पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x के वर्ग से ये x का वर्ग तो कट गया, बाकी क्या बचा, 1 का वर्ग 1 प्लस में 2x, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, कैसे बचेगा ये, सबको समझ में आ रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हैं आप यहां पर, नहीं आ रहा कि समझ में, ठीक है ना, तो एक इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x का मान कितना जाएगा, 48, अरे एक इसमें से घट जाएगा ना, 49 में से प्लस के एक माइनस एक हो जाएगा, 2 से डायरेक्ट काटो आप, x का मान कितना जाएगा, अगर x 24 आ गया तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 25, और आपको भी मैंने बताया एक ट्रिपलेट ये बन गया 7 24 और 25, इसको भी आप लिख सकते हैं उसके अंदर, 7 और 24 का ट्रिपलेट 25 होता है, यानी 7 24 25, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, तो ध्यान से सुनना, सेक ए और क्या पूछा है आपसे, कोट ए, सेक का मान के किसके उल्टा होता है बताओ, कोस का उल्टा होता है, आधार क्या है बताओ, आधार आधार क्या है, अगर इसको आप थीटा माने तो क्या हो जाएगा, आधार 24 हो जाएगा, ठीक है, तो आधार बट्टा कर्ण होता है इसका,
कोश का, तो कर्ण बटा आधार किसका होगा, 25/24। और कोट क्या होगा बताओ, कोट क्या होता टेन का, 7/24 का क्या होगा, लंब बटा आधार का क्या होगा, 24/7। क्या यही होगा क्या? सेक का फॉर्मूला क्या होता है आप देखो, सेक उल्टा होता है कोश का, और कोश का क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या होगा कर्ण बटा, तो 25/24 लिख दिया ना। कोट किसका होता है, लंब बटा आधार होता है ना, तो आधार बटा लंब, आधार क्या है बताओ 24, और लंब क्या है, लंब क्या है 7 आएगा ना भाई। कोट का क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, या आधार ये 10 का होता है लंब बटा आधार, तो कोट का क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार क्या है 24 है ना, और लंब क्या है 7, तो सही लिखा है मैंने। आगे क्या करेंगे बताओ, 25/7 कितना होता है, 175 होता है क्या, 175, और 24 का वर्ग क्या होता है 576, 26 का भी याद करा दो 676 होता है, ठीक है। 24/7 कितना होता है, 168 होता है ना, जोड़ दो 6, 5, 11 का 1, 7, 14, 15 का 5, 6, 7, 168 बटा कितना हो गया, ये याद आएगा, ठीक है। 3 से कट सकता है कि, 3 से कट सकता है, 3 2 6 1 3 5 15 नहीं कट रहा ना, नहीं कटेगा, तो यही इसका आंसर याद आएगा, ठीक है। 751 बटा में क्या जाएगा, 168 इसका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में और क्वेश्चन नंबर 8 में ज्यादा फर्क नहीं है, बस यहां पर क्या है, सेक एक ही जगह मैंने क्या कर दिया, सी कर दिया, और ये क्वेश्चन बदल गया, ठीक है। लेकिन आप याद रखना, त्रिभुज एबीसी जो है उसके अंदर ये तो 90 था, हमको पता ही है ना ये तो कितना आएगा, एबीसी एबी कितना है बताओ, 7 था, और ये हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कितना आया था ये, और ये कितना आएगा, समझ में आ रही मेरी बात। बस हमसे क्या पूछा है, सेक सी प्लस टेन ए, याद रखना सेक सी, पहले सेक सी निकालो फिर टेन ए निकालना। आप ध्यान से सुनना कैसे निकलेगा सेक सी और टेन ए, तो सेक सी देखो, जब सेक सी आपको दे रखा है ना कोण में, तो क्या करेंगे, सी यानी इसके थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या है, आधार रहेगी, तो ये लंब, और ये क्या है आधार, और ये क्या है कर्ण। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या होगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या है बताओ 25, और आधार क्या है 24। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बताओ। लेकिन जैसे ही मान टेन ए में आएगा तो इसके मान बदल जाएंगे, यानी जो ये त्रिभुज है ना, अब ध्यान सुना, मैं एक त्रिभुज दूसरा बना रहा हूं यहां पर। अब यहां पर तो 25 था और ये 24 था, और क्या था यहां पर 7। अब की बार आपने ए लिखा, बी लिखा और सी लिखा, कर्ण तो फिक्स रहता है, ठीक है, कर्ण तो फिक्स रहता है, ये दोनों ही कोण चेंज होते हैं, तो जब टेन ए आ जाएगा ना, तो थीटा ये होगा, और लंब क्या होता है मैंने कहा ना सामने वाला होता है, ठीक है। तो अब की बार लंब क्या हो जाएगा, टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो लंब क्या है बताओ, लंब क्या है 24, और आधार क्या है, लंब क्या है और आधार क्या है 7 है क्या, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कोट ए, सॉरी क्या पूछा है यहां पर, कोट ए पूछा है आपसे, कोट ए पूछा है, तो कोट ए में दे ध्यान से देखना, कोट ए का मतलब क्या होता है, तो टेन ए का होता है लंब बटा आधार, और कोट ए का क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार क्या है बताओ इस कंडीशन में, और लंब क्या है, तो क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ ये बात। तो हमसे दोनों को जोड़ दो आप इसमें, 25/24 को जोड़ेंगे और 7/24 को जोड़ेंगे, तो 24 24 तो एक बार लिखा जाएगा ना जोड़ने पर, और 7 और लिख दो तो क्या जाएगा 32/24, ठीक है। किससे काट सकते हैं, 4 8 32, 25 और 7 कितना गया 32/24 है ना, किससे काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं क्या, 4 8 32 और 4 6 24, 2 4 8 और 2 3 6, तो 4/3 इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो आज हमने त्रिकोणमिति के अंदर 9 क्वेश्चन और साथ में क्या सीखे, कुछ सूत्र सीखे, ठीक है। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।